देवास के खेमनी अभयारण्य में पर्यावरण व वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां स्कूली बच्चों को अभयारण्य का भ्रमण कराकर वन्य संरक्षण के बारे में बताया गया। वन्य प्राणी सप्ताह अंतर्गत खेमनी अभयारण्य में स्कूली बच्चों को अभयारण्य में भ्रमण करवाया गया। वन्य जीवों व पर्यावरण से होने वाले लाभ व उनके संरक्षण के बारे में बताया गया, जहाँ बच्चों ने कई तरह के पशु पक्षी व पेड़ पौधों के कई नस्लों के बारे में जाना। खेमनी रेंजर ने बताया कि आज की नई पीढ़ी को वनों से होने वाले लाभ एवं हमारे जीवन में वनों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है, ताकि नन्हे बच्चों के द्वारा आने वाले समय में वनों के विनाश को रोका जा सके और वनों के संरक्षण के लिए आगे आए। वन हमारी राष्ट्र धरोहर है, यह राष्ट्रीय संपदा है, इसी से हमारा जीवन है। वनों से हमें हवा पानी व जीवन मिलता है। समय रहते अगर हमने जागरूकता नहीं दिखाई तो पृथ्वी पर मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसको बचाने के लिए हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर वनों का संरक्षण करे। इसी के चलते आज की नई पीढ़ी को आगे आना होगा और वनों के विनाश को रोकना होगा। वहीं खेमनी अभयारण्य 134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देवास जिले की कन्नौज तहसील से सिरोह, सीहोर जिले की इछावर व आष्टा तहसील तक इसकी सीमा है। यहाँ पिछले वर्ष सर्वे में 25 तेंदुए, 8 टाइगर, 100 चीते सहित यहाँ 155 प्रजाति के पक्षी पाए गए। वहीं अभयारण्य को पर्यटन को दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। सप्ताह मनाया जा रहा है यहाँ पे 1 से 7 अक्टूबर तक हमारा जो पूरा प्रदेश मनाता है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज ओंकारा हाई स्कूल के बच्चों को यहाँ पे खेमनी अभयारण्य बुला के वनों एवं वन्य प्राणियों के बारे में उनको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई और उनके किस प्रकार से अपन को संरक्षण करना है इसकी जानकारी उनको दी गई। वास्तव में हम देखें कि प्राचीन समय से वर्तमान में तुलना करते हैं तो हमारी जो राष्ट्रीय संपदा है ये धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, क्योंकि लोगों के मन में जागरूकता नहीं है। अभी तो ये ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं को फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से यहाँ लाया गया खेमनी अभयारण्य में और इन बच्चों को पूरे अभयारण्य की जानकारी दी गई और वास्तव में जंगलों से हमें क्या लाभ होते हैं और जंगलों को काटने से हमें क्या नुकसान होता है, उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, इस प्रकार की जानकारियाँ दी गई है। तो ये गाँव के जो बच्चे आए भी घर पर जाकर अपने परिवार के लोगों को इस प्रकार की जानकारी देंगे, जिससे हमारा जंगल बचेगा और जंगल बचेगा तो ही जीवन भी बचेगा, यदि जंगल नहीं बचा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे आज सभी स्कूल के बच्चों को बुलाकर जंगल के बारे में बताने का कार्यक्रम था और यहाँ पे आके हमने देखा कि कैसा लगता जंगल में आके, कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। जैसे हम जैसे किताबों में पढ़ते हैं इतनी ज़्यादा नहीं समझ पाते, यहाँ पे आकर पता चला कि आखिर जंगल की प्रकृति की खूबसूरती अगर है क्या क्या है इसमें, और यहाँ के जंगली जानवर ऐसे बहुत से देखने को मिले और फोटोज में भी देखा। यहाँ पे सर गार्ड्स वगैरह ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मिली से इससे प्रेरणा मिली है कि जंगल दिन ब दिन कटते जा रहे हैं और हमें इनको बचाने की ज़रूरत है, और इनके कारण हमारा देश इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है और देश की सुंदरता को बढ़ाए रखना या बनाना हमारे ही हाथ में, और इस काम को हमें अपने हाथ में लेकर इसको और भी तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। मेरा नाम डगमग खान है, मैं 11th क्लास ओंकारा में पढ़ती हूँ, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।